आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को। राधा स्वामी, आप देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्रीति चंद्र। संत महात्माओं ने बहुत बड़ी बात कही है कि पूरी दुनिया जीत सकते हो संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हो अहंकार से। रूहानियत और दुनियादारी की दृष्टि से संगत के मन में अनेकों सवाल होते हैं। वही स्पेशल सवाल जवाब सत्र के दौरान राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी से संगत ने दुनियादारी, निजी जीवन को लेकर और भी अनेक सवाल किए, जिस पर बाबा जी ने उदाहरण पूर्वक उत्तर भी दिया। सवाल जवाब सत्र के महत्वपूर्ण अंश राधा स्वामी सत्संग व्यास के ऑफिशियली चैनल RSSB से लिया गया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देखिए निजी जीवन और दुनियादारी को लेकर क्या बोले बाबा जी। बाबा जी, मैं इस टाइम स्टडी करता पाया, बट करे कई बार यह प्रॉब्लम आ जाती जिद करके मैं लगता है कि मैं स्टडी नहीं करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए है। तो मैं रहन दे, तू पहला पढ़ाई कर ला। मैं ऐ लगता है, तू रहन दे, मैं पहला पढ़ाई कर ला बेटा। थोड़ी जी बेसिक क्वालिफिकेशन तो चाहिए है ना, जिन्ना चेर वो बेसिक क्वालिफिकेशन अपनी पूरी नहीं होगी तो नौकरी कौन देगा बेटा। सो ये ठीक है, इस वक्त जवानी विच साडा ध्यान दूजे पासे हुंदा, पढ़ाई वाल नहीं हुंदा, मगर बेटा बेहतर यही है कि इस वक्त थोड़ी जी मेहनत करके आप अगे जाके मौज करिए। जे इस वक्त अनगहली होगी सारी उम्र आपां नूं मेहनत करनी पवेगी। बाबा जी नामदान की बख्शिश करियो ते भजन सिमरन करा लिया। बाबा जी तुसीं बड़ियां रहमतां करदे हो, असीं समझ ही नहीं पांदे। बेटा मैं की रहमतां करदा, सेवा तुसी करदे हो, धुप विच तुसी सारे जाके लगे हुए हो। सो ये तां थोड़ी अपनी करनी है बेटा, ये तो थोड़ी वडियाई है कि तुसी मेरा नाम अगे ला देंदे हो, मगर सेवा तां तुसी करदे हो बेटा। बेटा आप कदे भी नहीं ऐ सोचना, आप मालिक दे बच्चे हैं बेटा, वो परम पिता है साडा अकाल पुरख, आपां बस उन्हों ही खुशी हासिल करनी है जिन्ना साडे तो हुंदा है। उन्हों अवस्था पता है साडे सारयां दी कि किन्ने योग है, आपां जे अपने वल्लों करांगे बाकी अपने आप करवाऊगा। अपना प्रेम बख्श लो बाबा जी। कोई बाबा जी मेरा कोई सवाल नहीं है, बहुत शुक्र है सच्चे पातशाह, मैनू प्यार दिओ जी, बेनती है प्यार दिओ, तड़फ दो तो भजन सिम कर सकता सच्चे पातशाह। भाई साहब देखो, ये ठीक हैगा कि अपने मन की शांति वास्ते आप चीज़ा कह दें मंग लें, मगर देखो प्यार कोई देने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, हुण आपां तो बच्चे कहो जी तुसीं मैनू प्यार सिखाओ या प्यार दिओ, प्यार ना लिता जा सकता ना दिता जा सकता। प्यार एक इहोजी ताकत है जिन्हें साडे अंदरों जागृत होना है। जिमें जिमें रिश्ता जुड़ूगा सानू उदियां रहमतां दा एहसास होगा, अपने आप साडे अंदरों प्यार जागृत होगा बेटा। सो इस करके आपां तां सिर्फ अपने आप नूं उस चीज़ दे लायक बनाना है कि असी कदर कर सकीए, असी उस चीज़ नूं संभाल सकीए, उहदे देण दी कोई कमी नहीं गी। सच्चे पातशाह कोई कमी नहीं है, पर फिर भी तड़फ दिओ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਰਾਧਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਰੋ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਪਰਖ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ गिण सकते हैं कि जी अज खुशी है तो अज नहीं खुशी। बेटा देखो अपने मन की अवस्था है बेटा, ये जड़िया खुशियां और गमियां है ना, ये साडे मन की अवस्था है। मन जदों चंगा समझदा सारा कुछ, वह समझदा कि जी अज तां जिवें छोटा बच्चा है बेटा, वह माँ तो मंगदा हैगा कुछ, माँ दे दिंदी है तां कहिंदा है कि तुसीं तां बहुत प्यार करदे हो, माँ ना कर दिंदी है फट देने कह दूगा मैनू प्यार नहीं करदे तुसीं। ठीक है ना, हालांकि माँ ने जो ना भी की है तो प्यार करके की है। सो बेटा सानू परखा च नहीं पैना चाहिए, वो तो आया ही देने वास्ते है, कोई लैन वास्ते नहीं आया।
साडा बर्तन मुद्दा कदे पिया हुंदा है, बर्तन नूं सीधा करांगे तां अपने आप सारा कुछ इकट्ठा हो जाऊगा, मुद्दा पिया है तां बाहर डिग पऊगा बेटा। बापू जी जिवें कई बार सेवा करदे आ ते कोई अपन नूं कुछ कह दिंदा आ तां मन बड़ा दुखी हुंदा बापू जी। नहीं बेटा दुख नहीं होना चाहिए, देखो आपां सेवा क्यों करते हैं बेटा, सेवा करते हैं कि साडे मन विच निम्रता आवे, ठीक है ना। तो जे साडे मन च अहंकार ही रहना तो फिर तो सेवा का कोई मकसद नहीं ना होया। सो महाराज जी यहो जिहा माहौल बना देंगे कि ताही तो निम्रता आऊगी बेटा। हुण हरेक की मर्जी तो नहीं चल सकती, ठीक है मैं मानता हैगा कि जिहड़े जथेदार है या जिहड़े नाल लगे भी हैगे सीनियर है वह कई बार उच्चा नीचा बोल जाते हैं, मगर सानू तो खुश होना चाहिए कि चलो साडा अहंकार टुटिया बेटा। बाबा जी तुसीं हमेशा मेरा साथ दिता है, बाबा जी नाम दान दे बख्शे जरूर करो जी। बाबा जी कई बार एवं लगता भी तुसीं बहुत नेड़े हो, कई बार एवं लगता भी तुसीं दूर चल गए मित्ते। बेटा मालिक ना दूर रहिंदा है ते ना नेड़े रहिंदा है, ठीक है ना, पहचान की गल है बेटा। साडा मन हुण जे मन दे अगे अंधेरा आ जाए सानू दिखाई नहीं दिंदा, असीं सोचदे हां कि चले गया, मैं थोड़े सामने बैठा ना मेरी शक्ल दिखाई दे रही है, हुण जे तुसीं अपना चेहरा उधर मोड़ के कहो जी कितें उठ के चले गए, मैं तां नहीं गया, थोड़ा ध्यान दूजे पासे हो गया बेटा। सो ये साडे ध्यान की गल है बेटा, ध्यान साडा दुनिया च फैल जांदा, असीं सोचदे हां कि वह दूर हो गया, ध्यान नूं वापस ले आवांगे पता चलूगा कि वह तो उत्थे बैठा हैगा। बाबा जी ऐसी दया मेर करियो कि हर टाइम थोड़ा भजन सिमरन कर सका, मतलब इन्नी हिम्मत दियो कि अंदर तुसी दर्शन दो। बेटा उन्हें तो बहुत कुछ दिता है, आपां उन्हूं सही तरीके दे नाल इस्तेमाल नहीं कर सके बेटा, उहदे देण दी कमी नहीं गी, साडे संभालण दी और कदर करन दी कमी है बेटा, कदर करांगे खुल के देऊगा बेटा। और बाबा जी जो मतलब कि सिमरन ते बैठ दिया ता 45 या घंटे बाद ना लत्तां जो पेन घबराहट बहुत ज़्यादा होंदी है, ता उस टाइम समझ नहीं आता कि मतलब चेंज सीटिंग चेंज करनी पैंदी है, ता उस टाइम सानू करनी चाहिदी है बेटा। जिन्ना क बैठ सकते हो उन्हें तो बैठे रहो, जो ज्यादा हो जाए तो थोड़ा जहा उठ के अगे पिछे तुर के फिर बैठ जाओ। और बर्दाश्त नहीं होंगी बाबा जी, बहुत फिर उठ जाओ, दो मिनट उठ के अगे पिछे तुर के फिर बैठ जाओ बेटा, ठीक है। और बाबा जी जो मतलब कि भजन सिमरन करके ना लेट दी है मैं, तो उस टाइम ना पता नहीं आवाज़ धुन सुनाई दिंदी है, तो कई बार खब्बे पासों सुनाई दिंदी है, मतलब उस टाइम सानू दोबारा बैठना चाहिए। बेटा ध्यान दरम्यान रखो, इत्थे रख के ना बस उत्थे रख के सुनी चलो बस, ठीक है। बाबा जी दया मेहर करो कि अंदर थोड़े दर्शन कर सके। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।